कोई ऐसी पश्चिमी डांस फॉर्म जो इतनी पुरानी हुई है, इतने सालों से आ रही हो, इससे विधान चलने के बाद तो मैं ये बताना चाहूंगी कि लूब्र जो पैलेस में म्यूजियम है वहां से बस एक फोटो हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाए तो हम वहां पहुंच जाते हैं। बट इंडिया में जो नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट है जहाँ पर वन ऑफ द रिचेस्ट कलेक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट है, वहाँ पर बस 30,000 लोगों की फुटफॉल होती है। लूव्र पेरिस में 2 दिसंबर में 5 मिलियन लोगों की फुटफॉल होती है। टेट इन लंदन में 4 मिलियन लोगों की फुटफॉल होती है। इससे हमें क्या समझने को मिलता है? क्या ये है कि हम भारतीयों को अपनी भारतीय चीजों में डिसइंटरेस्ट है या हम रुचि नहीं है, और कि हम लोगों को जो पश्चिमी चीजें हैं उन पे पागलपन है या फिर उस पे ऑब्सेशन है? क्या ये सब मकौले का ही करा धरा है या फिर ये हम हैं जो अपनी संस्कृति पे इन्वेस्ट नहीं करते? बहुत सारे रीजन है लेकिन इसका रिजल्ट एक ही है। आज हर एक भारतीय वेस्टर्न बनने का सोचता है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल जीने का सोचता है, क्योंकि आज हम सबके लिए वेस्टर्न इज इक्वल टू मॉडर्न और एडवांस। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वेस्टर्न और मॉडर्न अलग अलग चीज है। अगर हम बस ये 75-75 साल पहले की ये मानसिकता को दूर भगा सकते हैं, अगर हम वो जान सकते जो मकौले हमें नहीं जानना चाहता था, अगर हम अपनी रिच हेरिटेज के साथ कनेक्ट कर पाते, हम संस्कृति को जान पाते, तो हमें पता चलता कि आज जो हम भारतीय हैं वो पूरी दुनिया से आगे है। हमारा जो संस्कृति है वो हमेशा अपने समय से आगे रहा है, और ये हमारी जो संस्कृति है वो इंस्पिरेशन है, हमारी संस्कृति है वो एडवांस है। अब चलिए बौद्धयान से मिलते हैं, जो 800 BC में रहते थे। 800 BC का अर्थ है कि 800 ईसा पूर्व, जिसका अर्थ है कि आज हम 2022 में, तो 2022 साल पहले से भी 800 साल पहले बौद्धयान रहते थे। और आज जो हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं वो उन्होंने सबसे पहले कैलकुलेट किया था। पाइथागोरस आया था 570 BCE में, और संभवतः उसने अपने गुरु से जो सीखा था उसी चीज को क्लेम करके उसी को उसने बोला। फिबोनाची नंबर्स के बारे में तो हम सबने सुना है, जो है कि हर नंबर अपने 2 प्रीसीडिंग नंबर का सम है। इसके लिए हम इटालियन गणितज्ञ फिबोनाची को करेक्ट करते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि हेमचंद्र जो एक इंडियन गणितज्ञ थे, उन्होंने इसको 1150 में बताया था, और जबकि फिबोनाची ने इसे 1202 में बताया था, और इन दोनों से पहले गोपाल जो फिर से भारतीय गणितज्ञ थे उन्होंने इसे 1135 में प्रूफ किया था। हमारी यूरोसेंट्रिक जो हिस्ट्री किताब है वो हमें ये कभी नहीं बताएगी, मकौले कभी नहीं चाहेगा कि हमें ये सब पता चले। जीरो जो था वो हमें ब्रह्मगुप्त जी ने, हमारे जो इंडियन भारतीय ब्रह्मगुप्त जी थे उन्होंने इसके बारे में हमें बताया, और आर्यभट्ट थे जिन्होंने पाई की वैल्यू 4 decimal प्लेसेस तक कैलकुलेट की थी। इंडिया ने पूरी दुनिया को डेसिमल सिस्टम बताया, और इंडिया ने ही, इंडिया के आचार्य पिंगल ने पूरी दुनिया को बाइनरी सिस्टम दिया। आर्यभट्ट ने हीलोसेंट्रिक थ्योरी हमारे सोलर सिस्टम के बारे में प्रपोज की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारी धरती है वो राउंड है, वो गोल है, और जो हमारी धरती है वो पूरे एक्सेस पे मूव करती है। आज हम बात करते हैं निकोलस कॉपरनिकस के बारे में। हम नासा के स्वेटशर्ट्स पहनते हैं, लेकिन निकोलस कॉपरनिकस के इस बारे में जानने से पहले हमारे आर्यभट्ट जी ने अर्थ और पृथ्वी और हमारे चांद दोनों का भी डायमीटर कैलकुलेट कर लिया था। हमारा साइंस, हमारा कल्चर, हमारा विज्ञान, हमारी संस्कृति 500 साल पहले ही आ चुकी थी। हमारा जो आज के समय में जो अंग्रेजी घर जिस तरीके से बनते हैं वो सब हमारी सिंधु घाटी सभ्यताओं के घर पर निर्धारित है। तो आज हम लोग वेस्ट के बारे में, हम पश्चिम को जानते हैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, लेकिन क्या हमें पता है कि भारत था जिसने प्लास्टिक सर्जरी पूरी दुनिया को दिया? सुश्रुत जो भारत में 800 BCE में काशी के किंगडम में रहते थे, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर सबसे पहला डॉक्यूमेंट लिखा, जो रानी प्लास्टिक पे सबसे पहला डॉक्यूमेंट लिखा। उन्होंने उसमें 300 से भी ज्यादा ऑपरेशन के बारे में बताया, उन्होंने 121 सर्जिकल टूल्स के बारे में बताया, जिसमें से बहुत सारे आज के सर्जिकल टूल्स से मेल खाते हैं। उन्होंने वो हर्ब यूज करते थे ताकि लोगों को सेप्सिस ना हो, वो कैम्बल यानी मोतियाबिंद का रिमूवल भी कैरी आउट करते थे, और ये सब 800 BCE के समय में हुआ था। आज हम लोग अपनी रिच लेगेसी, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और इसका फायदा लेकर आज वेस्ट हमारी चीजों को क्लेम करता जा रहा है, क्योंकि अब 1990 के समय में 2 अमेरिकन लोगों ने क्लेम किया हमारे जो हल्दी यानी टर्मरिक की जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है, जो घाव को भरने की प्रॉपर्टीज है, वो सब इन्होंने बताया। और लेकिन ये सब हम सब जानते हैं कि ये सब हमारे भारत में, हम सब इसे दिनों से नहीं, सालों से नहीं, अरसों से जानते हैं, लेकिन तब भी हमने इसके ऊपर कभी पेटेंट करवाने का नहीं सोचा, और ये पेटेंट ग्रांट कर दिया गया। उसके बाद इसी समय में नीम के ऊपर भी पेटेंट हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि
मेन की पेस्टिसाइड की प्रॉपर्टीज ये सब इन्होंने ही जाना, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारतीय, हम भारतीयों को इसके बारे में पता चला, हम इसे कितने अरसों से, कितने सालों से, कितनी सदियों से यूज करते आ रहे हैं। और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें बिल्कुल ये सीखने को मिलता है कि आज हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब झूठ है और वे हमेशा झूठ रहेगा। क्या इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है? मैं तो कहूंगी बिल्कुल। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां पर हमेशा हमें झूठ ही बताया जाएगा, हमारी हिस्ट्री हमेशा यूरोसेंट्रिक रहेगी और हमेशा ये लोग यूरोपियंस हमें हमेशा बताते रहेंगे कि उन्होंने सब कुछ किया है और हमारे आइडियाज को स्टील करते रहेंगे। और जब तक हम अपनी हिस्ट्री, हम अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे, तब तक मकौले जैसे लोग हमें हमेशा बेवकूफ बनाते रहेंगे, क्योंकि दुनिया में हमें कोई नहीं बताएगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जिस कॉटन बिन का प्रयोग हुआ था वो दुनिया में सबसे पहली बार इंडिया में उस मशीन को बनाया गया था। हमारे इंडिया के गुजरात में लोथल में दुनिया का सबसे पहला डॉक बनाया गया था। हमारे देश में ही स्टील का आविष्कार हुआ था। हमारे देश में, हमारे देश के आचार्य कन्नड़ ने एटॉमिक थ्योरी, जो हम जानते हैं जॉन डाल्टन ने बनाई थी, उनसे, उनके जन्म से भी पहले हमारे आचार्य कन्नड़ ने इसको प्रूफ कर दिया था। हमारे देश में स्मेल्ट जिंक के द्वारा, डिस्टिलेशन के द्वारा जिंक हमारे देश में सबसे पहली बार बनाया गया था। हमारे देश में सबसे पहला सीमलेस कोलेस्ट्रॉल ग्लोब कश्मीर में बनाया गया था। और इसके अलावा भी, इसके बावजूद हमारे देश कभी भी ऑफेंसिव पे नहीं गया, हमारे देश ने कभी भी किसी दूसरी कंट्री पर अटैक नहीं किया, उसे इन्वेड नहीं किया। हमारे देश ने दुनिया को सिर्फ ज्योग्राफी, मैथ और एस्ट्रोनॉमी ही नहीं सिखाया, उसने हमें पूरे दुनिया को टॉलरेंस भी सिखाया। इंडिया जो है वो हमारे पूरे पूरे भारत में चार बड़े बड़े रिलीजन्स का बर्थ प्लेस है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म। 75 साल बाद भी आज हमारे पास वो समय है कि हम अपने हेरिटेज को, हम अपनी संस्कृति को रिक्लेम करें, लेकिन क्या हमने उसका न्याय किया, क्या हमने वो किया? 75 साल पहले गांधी जी ने फ्रीडम मूवमेंट चलाया, जिसमें उन्होंने वो क्लेम करना चाहा जो हमारा खुद का था, हमारी ग्रेट इंडियन हेरिटेज। हमारा 75 साल बाद भी हम तो पूरे इस स्वतंत्र हो गए, लेकिन क्या हमारा दिमाग उस 75 साल पहले की मानसिकता से स्वतंत्र हुआ? अब देखते हैं कि 2020 में हमारे भारत ने या पूरी दुनिया ने कितने सारे पेटेंट्स को फाइल किया। ये तो बस एक ही पैरामीटर है, लेकिन इसे हमें पूरी कहानी पता चल जाती है। स्वतंत्रता का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग, अपने अपने कल्चर, अपने कलर, अपने कस्टम के ऊपर प्राउड रहना, अपनी संस्कृति को समझना। अब हमें बाहर देखने के बजाय अंदर देखना चाहिए। अब हम 75 साल से फ्री हैं, 75 साल से स्वतंत्र हैं, तो अब हमारा टाइम है कि हम अपने कल्चर से रिकनेक्ट करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पूरे देश में, हम पूरी दुनिया से भी अभी भी आगे रह सकते हैं। अंत में मैं इन मैम को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने इतने सारे ओरिजिनल, ऑथेंटिक और इम्पोर्टेंट कंटेंट को एक साथ 6 मिनट के ही वीडियो में कंपाइल कर दिया और हम स्टूडेंट्स की इतनी बड़ी रिसर्च और मेहनत को बचा लिया। थैंक यू सो मच। जय।